नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट 303 पॉइंट अप है सेंसेक्स की तरफ से, और निफ्टी ने एक नया माइलस्टोन क्रॉस किया है 21,000 पॉइंट्स का, और सेंसेक्स अब जा रहा है 70,000 पॉइंट्स की तरफ। निफ्टी ने पहले पार कर लिया है 21,000 का मार्क, और सेंसेक्स अब 70,000 की तरफ जा रहा है। तो देखिए, आज जो है, आज सेंसेक्स तो अप है, लेकिन आज जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स, बाकी सेक्टोरल स्टॉक्स, वो काफ़ी डाउन है। तो सेंसेक्स को आपको देख के लगेगा कि मार्केट अप है, लेकिन बीच में काफ़ी स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट जिसको हम कहते हैं, उसमें डाउन चल रहे हैं। तो सेंसेक्स देखिए आज अप है बेसिकली आईटी स्टॉक्स और बैंक्स की वजह से, इन दोनों ने सपोर्ट किया है सेंसेक्स को, तो इसलिए वो अप है। तो देखिए आपके सामने, आपको बता दें कि HCL टेक देखिए 2% से ज़्यादा अप, इन्फोसिस 1% से ज़्यादा अप। तो ये जो आईटी स्टॉक्स हैं बड़े, जिनका वेटेज ज़्यादा है सेंसेक्स में, तो इन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा है। आपको पता है आईटी स्टॉक्स ने मार्केट रैली में, इतनी बड़ी मार्केट रैली चल रही है, 70,000 होने को हो रहा है, लेकिन आईटी स्टॉक्स ने ज़्यादा अभी रिसेंट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना ही बैंक्स ने किया है। तो अभी थोड़ा आईटी का सपोर्ट मिल रहा है। बैंक्स देखिए, HDFC बैंक बड़ा स्टॉक है, बहुत हाई वेटेज है इसका इंडेक्स में, 1% से ज़्यादा आप है। अब ये HDFC बैंक भी काफ़ी टाइम से, 2 साल हो गए हैं कि इसमें ज़्यादा गेन नहीं आया। तो अब जब HDFC बैंक चल रहा है, तो सेंसेक्स में मूवमेंट आ रहे हैं। देखिए आपको बताते हैं आज क्या हुआ। HCL टेक्नोलॉजीज देखिए बड़ा जंप आ 3% का, इंफोसिस 1% से ज़्यादा आप, HDFC बैंक बड़ा स्टॉक, मार्केट कैप देखिए 12 लाख करोड़ से ज़्यादा, मतलब HDFC बैंक, TCS और रिलायंस, ये 3 बड़े स्टॉक्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस में। अच्छा, आज ये हुआ कि आज जो ये शुगर के स्टॉक्स हैं, ये कल भी डाउन थे और आज भी डाउन ये चले हैं। तो कल ये था कि जो इथेनॉल प्रोडक्शन है, उसके लिए शुगर केन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को शुगर प्राइसेस को कंट्रोल करना है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने शुगर सप्लाई उधर जाने के लिए मना किया है। तो उसके बाद से रिएक्शन आ रहा है मार्केट में। कल भी डाउन थे और आज भी डाउन है, तो 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा शुगर स्टॉक्स में गिरावट आ चुकी है। तो देखिए आपके सामने बजाज हिंदुस्तान शुगर 7% डाउन, श्री रेणुका शुगर 6% डाउन। तो शुगर के सारे स्टॉक्स आज जो हैं, मतलब 7% से लेके 5% तक, 4% तक, सारे आज डाउन चल रहे हैं। तो मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट है, 303 पॉइंट्स अप है, 70,000 पॉइंट्स की तरफ सेंसेक्स पे मार्केट जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे चाहते हैं इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय फॉर नाउ।